Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care. Namaskar, mu Dr. Kitish Chandra Mishra. Ajira program ko samastang ko swagat janauchi. September hela ovarian cancer ebang cervical cancer month. Kichi barsha aguru cervical cancer ama rajyare sabuthu beshi houthuba mahila cancer thila. एबे कमी आसलानी कमी नहीं माने एबे ब्रेस्ट कैंसर तक ओवरटेक करूची किंतु जदि हमें ओभारी एवं सर्वाइकल कैंसर को मिसेबा एटा स्त्री मानंकर जो महिला मानंकर जो कैंसर हुए एटा बहुत अधिक परिमाण रे हिसाब हेई परिबो तो हमें चाहौतुलु एई जो रोगर विषय रे किछि तार कारण केमिति हमें ताको प्रतिरोध करि परिबा कोन कोन चिकित्सा हेई परुची केते पैसा खर्च होउची कोटि फ्री रे होउची जहाँ सब छोट छोट जिनस हमर जानिबार इच्छा थाए सदा बेले आमे हमर वरिष्ठ जो माने ए रोगर वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर मानन को आमे रिक्वेस्ट करथिलु आसी चंदी से माने आमे तांको सहित डिस्कशन करबा मो संगरे अछंती प्रोफेसर दीप्ति रानी सामंत से हेले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट माने केमोथेरेपी डिविजन रो आचार्य हरिहर जोटा आम रीजनल कैंसर सेंटर ओडिशार सबुठ बड़ कैंसर हॉस्पिटल तार मुख्य मैडम नमस्कार आमे तंकर प्रथम ओपिनियन नबा कि ए भलिया प्रोग्राम रु आपण भाबुचंती लोकन को बेनिफिट हबो कौन बेनिफिट हबो ए जो प्रोग्राम टी आमे बतन करूचे बा समस्त एकत्रित हेचे तार गोटे बहुत बड़ उपकार अछि कहीं मु भावे मो मतरे आम सब प्राक्टिकाली पेसेंट देखु रोगी देखु सेवा करुचु कितु केते पहुँच पारे ये आवेरनेस प्रोग्राम द्वारा यहाँ गोटे आवेरनेस सचेतनता कार्यक्रम आपण मैंने सचेतन होते जमती आमर प्रोफेसर सुशील कुमार गिरी से सार कहिले जे ओभारी कैंसरटा जाणिया भारी कष्ट सत कथा किंतु जो मंत्री देले जे आपण मैंने सन्देह करेंगे जदि किसी असुविधा है आपन टिके संदेह करिवे ता द्वारा गोटे अल्ट्रासाउंड हेले आपन बहुत किछि जानि परिवे तबे ए सब प्रोग्राम मो मतरे बहुत माने रखे बहुत प्राधान्य रखे आ आम मानन पई यहाँ निहाती जरूरी खाली ट्रीटमेंट कर देले हबनी किमिति रोगी रोगटा को आमे प्रतिरोध करि परिबा समाज रे सचेतन करिबा लोक मानको सेइटा भी गोटे प्रधान विषयवस्तु आजिकाली तेणु कैंसर को आम दमन करिया को हेले एको निश्चित रूप रे प्राधान्य देबाक पड़ियो मु भाबी यहाँ निहाती रूप जरूरी आम संगे आउ जड़े डाक्तर अच्छा सी हेले डॉक्टर अशोक कुमार पाढ़ी सी हेले शल्य चिकित्सा गायनिक कैंसर स्पेशलिटी थाए शल्य चिकित्सा जो मानकर कर्तव्य है गर्भाशय ओभारी कैंसर ऑपरेशन करने दायित्व से अच्छा भी आस्टन प्रोफेसर आमर आचार्य हरिहर जोटा कि आम सब बड़ कैंसर हॉस्पिटल सरकारी से अच्छा मुझे इनवाइट करुच्ची प्रोग्राम को भी से प्रथम प्रश्न आमे कौन सतरे किसी फायदा कर प्रोग्राम कर मो मतरे कैंसर केयर रो गोटे बड़ इम्पोर्टेन्ट पार्ट हूँ आवारनेस मैंने आवारनेसटा हूँ गोटे पार्ट मान जो लोग जाना आवार हवा लोक मैंने जाना जिनस जिनसा हुए आगे पूर्व सुशील सार गोटे कथा कहते इट ह्विस्पर्स सो यू हाव टू लिसन जड़े ह्विस्पर करुच्च गोटे ओभारी कैंसर पर जिन कले मे नॉट बी तार किसी सिम्टम्स न थपे बड़ सिम्टम्स किसी भी न थपे छोटिया गोटे खाली गैस्ट्रिक से कहे गैस्ट्रिक भाया पेटा टी छोटिया टी पेन होती एसीड हो गैस हो सीटा को इग्नोर करा कथा नुहे सो व्वेन द पेसेंट ह्विस्पर्स द डक्टर हाज टू लिसन और तार जो लोक अच्छा जे आटेडर जे रोचान सहित जो लोक मैंने रोचे को इग्नोर के कथा नुहे शुणा पड़ो सिम्टम्स शुणा पड़ो खाली शुणिले तो हेनी तो जब आम आगर आवर होता है ओभारी कैंसर एमती बिना लक्षण रे भी ओभारी कैंसर हो पाए आईटा साधारण तो एकदम लेट स्टेज रे यूजुअली प्रेजेंट करे तेणु एकदम अर्ली स्टेज रे सामान्य ह्विस्पर जो करुच्छे तेणु आमको यू आद नेग्लेक्ट करा कथा नुहे कि इग्नोर करा कथा नुहे सिम्टम्स को एंड से आवर जब आम आवर थी आम जापर आम डाक्टर परामर्श नहीं पार तेणु निश्चित भाव में यहाँ बहुत इम्पोर्टाट ये प्रोग्राम जब अवेयरनेस प्रोग्राम बारंबार हुए सब बड़े समय समय हुए आदि लोक अवेयर कराए डेफिनेटली यहाँ गोटे बहुत बड़ इफेक्टिव लोक इंपैक्ट पकेबे लोक अवेयर हे आज जोटा को आम लेट स्टेज में डिटेक्ट करूँ जहाँ डायग्नोसीस होता मे बी यहाँ बहुत कम अल्प स्टेज
डिटेक्ट करा जाई परिबो आ ट्रीटमेंट भी भलो ट्रीटमेंट दे जाई परिबो जोटिक रिजल्ट एर्ली स्टेज रे ट्रीटमेंट हेले ऑलमोस्ट भलो तार सर्वाइवल टा भी तेणु सर्वाइव भी लोकर बेस दिन रही परिबो तेणु डेफिनेटली एटा इफेक्टिव एमती गोटे प्रोग्राम कले जस्ट सेठी टिके ऐड करियो माने आपण जे कहले सेठी आपण कहि परिबे कि आमे माने को प्रायतः सिम्टम सेमती किसी ह्विस्पर्स माने अजणा सिम्टम किसी सिम्टम आम कहीपर जोटा कि काले ओवेरियन कैंसर को इंडिकेट करियो माने अर्ली जानवापी का किसी सिम्टम यस से जो जिन सुशील सर कहते इट ह्विस्पर्स यू हैव टू लिसन तो से जदि गोटे स्त्रीलोकटा जब एजेड स्त्रीलोक 40 वर्ष पर मुझ एपिथेलियल भेराइट को मेन कर जोटा कि मोस्ट कमन है जदि 40-50 वर्ष कौन स्त्रीलोक जदि कहते मोर गैस्ट्रिक हो गैस हो कि मोर अर्ली सेट में जदि खाइले मतलब पेट फुल लग जाऊँ मोर झाड़ा टिके हो ठीक से हो मे नॉट बी बेसी पेन भी नईपे जदि ये जिनसा कहला आम साधारण तो कौन करूँ ना गोटे गैस टैबलेट मेडिसिन दुकान आने किणिक दि जाए से जिनसा करा कथ नुह आटलिस्ट आम शुणा पड़ो से तहार कौन कंप्लेनटा से कंप्लेनटा को यहाँ नेग्लेक्ट करा कथ नुहे इमिडिएटली सहीटा को तार जो समस्या पाखर जो लोक मैंने अच्छा से इमिडिएटली डॉक्टर को परामर्श करा दरकार परामर्श कले मैंने कौन डॉक्टर को देखे यूज जोकोसी डॉक्टर पाक गले प्रथम गोटे फास्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन हो गए अल्ट्रासाउंड करा तेनाली से गोटे अल्ट्रासाउंड इमिडिएट कर इमिडिएट कल अल्ट्रासाउंड कले आउ किटा जदि आउ टे बेसी स्पेसिफिक गोटे स्पेशलिस्ट को पाक जब से रिफर करती ताटू आउ टे बड़ ट्यूमर मार्कर कि सी गोटे सामान्य सी 125 गोटे टेस्ट आउ गोटे जदि गोटे कलर डॉप्लर जब कराए मे बी बहुत अर्ली स्टेज रे आम एटा को डिटेक्ट करि परिबा मन रहिला एटा सुनी कि बुझि पारले तो आम नेक्स्ट हला प्राय लोक मानकर गोटे प्रॉब्लम थाए कि साधारण नॉर्मल डाक्तर को देखते जो थे गोटे ट्यूमर बाहरी किए कहला कैंसर होगा किए ना मुझ मैडम को जानवाक चाहेबी मैडम ओभारी रे कौन जहाँ भी ट्यूमर हो सब कैंसर ना किसी सादा किसी बिनाइन आमर जो ओभारी मानने साधारण लोक डिंबाशय स्त्री लोक दुईट डिंबाशय अच्छी से ओभारी जहाँ कि आमर पिला जन्म होगा कि पीरियड्स हो सैकल होसपनसबल से कर्कट रोग हेले आम कहूँ ओभारी कैंसर तार सब कैंसर मानते जमी आप देखुं स्तन सबुगुड़ा कर्कट नुह से भली डिंबाशय सब ट्यूमर कर्कट नुह से बिनाइन ट्यूमर भी अच्छी खाली देखिए भल ट्यूमर थी जब आप बायोप्सी कलापर से कैंसर आसबन बिनाइन ट्यूमर ताको आम कहूँ आ गोटे बॉर्डर लाइन ट्यूमर आपटे कैंसर नुह कि पूरा बिनाइन नुह मझामझी से मानकर कौन से सर्जरी कराव से फॉलोअप रखाहब काले भविष्य किसी दरकार पड़ पारे फॉलोअप रखा निहाती जरूरी आउ गोटे सार जमी कहले जर्म सेल ट्यूमर मानते छोट झी मानक हम 5-6 वर्ष आरंभ कर 18-20 वर्ष झील मानी से गोटे जर्म सेल ट्यूमर तार रिजल्ट भल से प्रायत 90% आरोग्य हो जाती आम केमोथेरेपी द्वारा ट्रिटमेंट करपरेसन पर सर्जरी सबू ओभारी कैंसर सर्जरी कराई था बिनान रे भी दरकार पड़े सर्जरी किंतु तापर जो एडिशनल ट्रीटमेंट लाइक केमोथेरेपी से सबुति कैंसर ना दरकार ही नए तेणु सबू ओभारी ट्यूमर कर्कट नुह किटा बिनाइन अच्छी बॉर्डर लाइन अच्छी कैंसर भी अच्छी तेणु आम सचेतन हवा दरकार आम गोटे प्रोभर्ब अच्छी व्हाट माइंड डज नॉट नो आईज डू नॉट सी आपड़ जब जाणी नथिबे ताले आपनको देखा जीवनी तेणु आपर जो सचेतनता मुंडे जब रही बार्ताटा तेल आपड़ निश्चय जापर जे मोर कि गोटे असुविधा हाँ जाऊँगी कि मुझे प्रत्याहत करपरि तेणु आम एटा जाणी दरकार सब ओभारी कैंसर सब ओभारी ट्यूमर कैंसर तमाने आम सारू मैडम को पर्यटन एति जाने कि पेटर सब ट्यूमर कैंसर नुह तर साधा बा बिनाइन ट्यूमर भी हो पाए तो पेटर खाली ट्यूमरटे हमें कैंसर डर के घर बस जा ठीक नुह चेक सार कहले कौन कौन हेले आम जल्दी जानवा आ मैडम भी कहले सबू ट्यूमर कैंसर नुहे साधा ट्यूमर भी हो पाए से भयभीत हवा कथ नुह मैडम आम समस्त कि सर्जरी करवा प्राय बिनाइन हो कि कैंसर कैंसर तो प्रथम ट्रीटमेंट सर्जरी प्रथम शल्य चिकित्सा आवश्यक जेकोसी ट्यूमर गोटे से शल्य चिकित्सा दरकार ना परामर्श दरकार जिते आम गोटे ओभारी कर्कट रोग ना भी गोटे ट्यूमर आसूँ आम गायनिक डिपार्टमेंट पठाऊँ इवालुएसन आम कौ आपड़ देखु कौन एपर कारण आम जाचे डिंबाशय प्रथम ट्रिटमेंट हूँ सर्जरी तापर आम जानूचे ये कर्कट कि बिनाइन तेणु आम सर्जन रोल ए बहुत अच्छी
ତାଙ୍କର ମତାମତ ନ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, କାରଣ ଆପଣ ମାଂସଟା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ସେଟା କର୍କଟ କି ବିନାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ କି ଖାଲି ସାଧା ଟ୍ୟୁମର୍ କି କ୍ୟାନ୍ସର, ତେଣୁ ସର୍ଜନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ସବୁ ଓଭାରୀର ଯେଉଁ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହଁ, ବିନାଇନ୍ ହେଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ହେଇପାରେ, ଅପରେସନ୍ଟା କ'ଣ ସମାନ ନା ଅସମାନ, କେଉଁଥିରେ କମ୍ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ, କ'ଣ ଫରକଟା ଅଛି ଅପରେସନ୍ରେ? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ମେ ବି 20-25 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସେ ପିରିୟଡ୍ସ ଇରେଗୁଲାର ହେଲା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଓଭାରିଆନ୍ ସିସ୍ଟଟା ବି ହେଇପାରେ, ସେଟାକୁ ଦାଟ ଉଡ୍ ବି କ୍ୟାପ୍ଟ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହର୍ମୋନାଲ ଦୁଇଟା ହର୍ମୋନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଓଭାରିଆନ୍ ସିସ୍ଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ସିସ୍ଟଟା ଅଛି, ମେ ବି ଆଫ୍ଟର 3-4 ମାସ ପରେ ସେଇଟା ଭ୍ୟାନିସ୍ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମ ସର୍ଜରୀ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି ବଟ୍ ଆମକୁ ପ୍ରିଟିସିଓର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 3-4 ମାସରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେମିତି ହୁଏତ ସେ ରିଗ୍ରେସ୍ କରିପାରେ, ନର୍ମାଲ ଓଭାରିକୁ ପଳାଇ ଆସିପାରେ। କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଗୋଟେ ଓସି ପିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ବି କିଛି 3-4 ମାସ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ସିଷ୍ଟକୁ ରିଗ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ମେ ବି 4-5ଟା ସାଇକେଲ ତାକୁ ସେ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଯେଉଁ ଓସି ପିଲ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ପିଲ୍, ସେଇଟା ଦେଲେ ବି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟ ବୋଲି। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇପାରେ। ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଟ୍ୟୁମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସର୍ଜରୀ ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ଟୋଟାଲି ସିମ୍ପଲ ସିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ 5-6 ମାସ ଧରିକି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ 6 ମାସ ପରେ କରି ଦେଖିବା, ଯଦି ସେ ରିଗ୍ରେସ୍ କରିଛି ନା ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ଆମେ ସିଓର ହେବା ଯେ ଏଇଟା ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଝି ମଝିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ଡର ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ସର୍ଜରୀ କରି, କେବଳ ଲିମିଟେଡ୍ ସର୍ଜରୀ, ବେଶୀ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ କି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ଛୋଟ ଅପରେସନ୍ କେବଳ ସେଇ ହୁଏତ, ଆମେ ଯଦି ୟଙ୍ଗ ବୟସରେ ଆସୁଛୁ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଓଭାରିଆନ୍ ଟ୍ୟୁମର ବୋଲି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ, ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେୟାରିଂ ସର୍ଜରୀ ବୋଲି କହୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତାହାର ଗର୍ଭବତୀ ଗର୍ଭକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ରହିବ, ସେ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାର ଓଭାରିଟା ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା। ଆଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜିଂ ଅପରେସନ୍ ବୋଲି କରାଯାଏ, କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେ ଛୁଆ ଧାରଣ କରିପାରିବା ସମସ୍ତ ରହେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଯେଉଁ ତିନିଟା କହିଲି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା ବିନାଇନ୍, ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଆଉ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମେ ଓରେଟ୍ ଆମର ମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହେଉଛି, ଆମେ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବଲ ନୁହଁ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏର୍ଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ତା'ର ସର୍ଜରୀଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ସର୍ଜରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ତା'ର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଝି ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋଟାଲ ବିନାଇନ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ସିମ୍ପଲ ସିଷ୍ଟା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ମନେକର ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ନ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମାଲ ମେ ବି ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ବି ଛୋଟିଆ ଓଭାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟାକୁ କଢ଼ାଯାଇପାରେ। ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ଟା କହିଲେ ଲିମିଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ସେଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପେସେଣ୍ଟଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଆୱାର ରହିବା, ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ରେ ଜାଣିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରଣର କ୍ଷମତାଟା ବି ଆଫେକ୍ଟ ନ ହୋଇପାରିଲା ଭଳିଆ ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ୍ୟାନ୍ସରର ଯଦି ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିବା କଥା? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ପାଢ଼ୀ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେୟାରିଂ ସର୍ଜରୀ, ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜର୍ମସେଲ୍ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ଆମର ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କର ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଗୋଟିଏ ପେସେଣ୍ଟ ମୋର ଥିଲା, ତା'ର ରିକଭରି କଲା ପରେ ବାହାଘରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ କେହି ବାହାରିଲେନି। ତା'ପରେ ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା, ତା'ର ଯେଉଁ ଆସିଲା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି।
ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଝିଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ରୋଗମୁକ୍ତ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇସାରିଛି, ପିଲା ହେଲାଣି ତା'ର। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଲାଣି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମନା କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ୟାର ଭାରି ଅପରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ୟାର ପିଲା ଛୁଆ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସୋସାଇଟିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜର୍ମସେଲ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେୟାରିଂ ସର୍ଜରୀ, ପିଲା ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିବ। ତେଣୁ ଜମା ଆଦୌ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଝିଅମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଜର୍ମସେଲ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେୟାରିଂ ସର୍ଜରୀ କରାହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହୁଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, କୌଣସି ଗାଇନିକ କ୍ୟାନ୍ସରର ଗାଇନିକ ସର୍ଜନ କେବେ ହେଲେ ସବୁ ଓଭାରୀ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୟଭୀତ ହେବେନି। ତାପରେ ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ କହୁ, ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପୁଣି ଏ ବି ସି ଅଛି, ଆମର କମନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଏ ଆଉ ବିରେ ସର୍ଜରୀ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଜନ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଜରୀ ପେରିଫେରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗାଇନିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଠାଉ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଇନିକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଗାଇନିକୋଲୋଜିକାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ସର୍ଜନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତା'ର ଫଳାଫଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ପେରିଫେରି ସର୍ଜନଠୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଇଛି, ଯେ ସର୍ଜରୀ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ହାତରେ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ଏ ୱାନ୍ ବିରେ କେମୋଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ସର୍ଜରୀ ହେଲେ ଚଳିବ। ଷ୍ଟେଜ୍ ୱାନ୍ ସିରେ କେମୋଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁରେ ବି ସର୍ଜରୀ ପରେ କେମୋଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍, ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ସର୍ଜନ ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସର୍ଜରୀ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ଥାଏ ପେଟ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ କେମୋଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଠାଯାଏ। ଆଗେ କେମୋଥେରାପି ତା'ପରେ ସର୍ଜରୀ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ନିଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ କେମୋଥେରାପି। ଆଗେ କେମୋଥେରାପି ଦିଆହୁଏ, ତା'ପରେ କମିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିଚୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ନଥାଏ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲେ କ'ଣ, ଲୋକଟି ଖାଉନଥିବ, ପିଉନଥିବ, ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଥିବ, ତା'ର ହେଲ୍ଥର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ, ସେ ସହିପାରିବନି ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ, କାରଣ ସାର୍ କହିଲେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ସେ ସହି ନପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ କେମୋଥେରାପି ଦିଆହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ନିଓ ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ କେମୋଥେରାପି ବା ଆଗେ କେମୋଥେରାପି ତା'ପରେ ସର୍ଜରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବିରେ କେମୋଥେରାପି ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏନି, ତା'ପରେ କେମୋଥେରାପିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜମା ଭୟଭୀତ ହେବାନି, ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା କରିବା କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ତା'ପରେ ଆଗେଇବା। ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ 6-7 ଲାଇନ୍ କେମୋଥେରାପି ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କେମୋଥେରାପି ନେବେ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏମାନେ, ହତାଶ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ରିଲାପ୍ସ ହେଲା, ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମୋଥେରାପି ନେଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ରିଲାପ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମୋଥେରାପି। ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତିକି ହେଲାଣି 15-20 ବର୍ଷରେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି କେମୋଥେରାପି ନେଇକି ହୁଏତ 30% ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଲେଖା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ରୋଗରେ ହାରିଯିବାନି, ଫେସ୍ କରିବା, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆଉ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆଉ ବେଶୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ପରାମର୍ଶ କି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତା ପଛରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ରହିବା ଦରକାର, ତା'ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ହତାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନ ହାରୁ, ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଅର୍ଲି ଜାଣିଲେ ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିପାରିବ, ଭଲ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ରହିପାରିବ। ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ 1-2 ଆରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଗେ ଅପରେସନ୍ ହେବା କଥା, ଷ୍ଟେଜ୍ 3-4ରେ ବେଳେବେଳେ କେମୋଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରାୟ କେମୋଥେରାପି ଦେଇକିନି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା କେମୋଥେରାପି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆଉ କେମୋଥେରାପି ଦେଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦରକାର ହେଇକି ଲୋକ 10-15 ବର୍ଷ ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମେ ଗର୍ଭାଶୟ ଓଭାରି କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରେବୁଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ ବି ନେଇପାରିବା, ଷ୍ଟେଜ୍ 3-4 ହେଲେ ବି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବା।
तो खाली चिकित्सा सरीगला ता माने हम काम सरीगला की सर पास जिंस टिके मु से स्टेजिंग ऊपर टिको आ पर चाहे पास तापर मु सेटा का से फॉलो अप जिंस का से जिंस हो जे स्टेजिंग टा केम जानवा केवल सर्जरी कला पर ही जो मांसटा हम काढीवा ओभारिरु पैथोलॉजिस्ट को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को पठोट छ हम पैथोलॉजी रिपोर्ट आसला पर से ताले हम स्टेज एक्चुअल कन्फर्म करूचे आगुरु जो भाबु छ हां स्टेज हेते पारे किंतु कन्फर्मेशन करूचे ना सर्जरी ऑपरेशन कला परे केते माड़ी जाइछि रोगटा सेटा केवल जणा पड़िबो सर्जरी कला परे आपण ओवरी रे लिमिट एक अछि गोटे ओवर रे अछि कि दीटा ओवर रे अछि कि बर्तन पे सेटा हम देखिले सर्जरी करके देखिले जे दीटा ओवर कि अछि पानी अछि ना नै ऊपर को जाइछि मोमेंटम पोल गोटे जिंस अछि ऊपर पुलिस मैन प्रॉब्लम कोचिन सेटिक माड़ी जाइछि लिम्फ नोड गुडा अछि सब ग्रंथि गुडा अछि सेटिक माड़ी जाइछि तो सब सर्जरी कला आम गोटे स्टेज टाक आलर्ट करूँ येज रही ना जोटा मैडम फास्ट कहते जब मन कर एकदम एकदम गोटे ओभर को गोटे लिमिट एक अच्छी पूरा ग्रेड तार बहुत कम अच्छी ग्रेड वन ग्रेड टू अच्छे से केवल सर्जरी कले तार संपूर्ण रूपे ट्रिटमेंट होगा तार कौन केमोथेरापी आवश्यकता रहे ना ऑपरेशन परे कहीं ओभरी मानने कैंसर मेन जिनस हूँ सर्जरी हूँ मैं जहाँ भी अच्छी आमर पेट भितर तार सब लेस देन वन सेंटीमीटर आमको करा पड़ो मैं जिते सब जिन काढ़ पेट भितर सब जिन जो माड़ जाइए सब जिन काढ़ा काढ़ला आमर लेस देन वन सेंटीमीटर जब टीस्यू रहा है सेटा को जानवे प्रॉपर सर्जरी है खाली सर्जरी जे टोटल ट्रीटमेंट नुहे बहुत बड़ इंपोर्टेंट रोल हूँ केमोथेरापी बहुत बड़ इंपोर्टेंट तेणु आप भावे खाली गोटे सर्जरी करदे ऑपरेशन कले मत सब बाहरी गला सब जिन आउ कि दरकार भी ना कौन जिन नुहेटा नुहे से जो धारणाटा अच्छे प्रथम मुंडर बाहर करा पड़ो केवल एकदम एलियस स्टेज को छाड़देलापर अलग समस्त स्टेज रे ऑपरेशन जिते भी भल कले भी ऑपरेशन जिते भी भल कले भी मैडम को परामर्श ना पड़ो जमी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मैंने केमोथेरापी मस्ट कहीं 100% क्योर हाक तेणु प्रथम गोटे मेसेज देवाक चाहिए आपंकर सर्जरी सरीगला ऑपरेशन टा सरीगला आसबे ना आपन को आसाक पड़ो डॉक्टर को परामर्श कर पड़ो जो सर्जन पाखे ऑपरेशन करा करेंगे परामर्श ने से निश्चित भाव में जदि एकदम एलियस्ट न था जब टीके भी बढ़ी था डेफिनेटली निश्चित भाव में केमोथेरापी डिपार्टमेंट को से रिफर करेंगे आठ आप केमोथेरापी ने जोटि की छटा सैकेल तीन टू छा सैकेल केमोथेरापी खाली गोटे केमोथेरापी नुहे गोटे केमोथेरापी सैकेल ना सरला से भी नुहे तेनाली मेसेज आपंट जी दरकार से कम्प्लीट ट्रिटमेंट हो आटलिस्ट थ्री टू सिक्स सैकेल्स अफ केमोथेरापी से डिसाइड करेंगे आमर केमोथेरापी डॉक्टर डिसाइड करेंगे छटा सैकेल एवं यूजुअली छटा सैकेल केमोथेरापी से दौरान छटा सैकेल केमोथेरापी दे भी सब सरुन तापर आरंभ आपंकर फॉलोअप जिनस तो यहाँ गोटे लॉन्ग प्रोसेस आपको फास्ट जिनस धर्यरा हेनी प्रथम जिनस धर्य रखा पड़ो कारण फास्ट जिनस प्रथम स्टेज हूँ ऑपरेशन सेकेंड स्टेज हूँ आपंकर केमोथेरापी तो ऑपरेशन सरला आप धर्यरा हेनी डेफिनेटली ऑपरेशन 21 दिन पर केमोथेरापी आरंभ करेंगे केमोथेरापी फिर प्रति 21 दिन गोटे गोटे केमोथेरापी दिया तेणु केवे भी भावे जे गोटे केमोथेरापी देखिए मैं आउ टायर्ड होगी आज जीवन से ना टोटल कम्प्लीट ट्रीटमेंट पर आपको छह थर आसवाक पड़ो कम्प्लीट ट्रीटमेंट करा पड़े से सरीगले भी सरीगलानी तापर जो द्वितीय क्वेश्चन टा पचारा तार आंसर होना से केमोथेरापी संपूर्ण रूपए सरीगलापर भी आमको गोटे प्रोटोकल अच्छी मानते गोटे जिनस के फ्रिक्वेन्टली आपको आसा पड़ो के बार आपको आसा पड़ो प्रथम से प्रथम दु वर्ष से विशेषज्ञ मैंने कहते गोटे गाइडलाइन अच्छी प्रति प्रथम दु वर्ष प्रति तीन मसनिमास पी चेकअप करेंगे ये सब उद्देश्य हूँ कहीं रोगटा गलापर भी संपूर्ण गलापर भी आउ थे रिलाक्स आउ थे आसवर रिकरेन्स होवार चान्सेस अच्छी पुणी आउ थे भी रोगटा आउ थे आसपे संपूर्ण ट्रीटमेंट कलापर तो ताकू पुणी एली डिटेक्शन दरकार प्रथम आपको ओभरी कैंसर टू एली डिटेक्शन आम जान लें कमी कौन करा कौ जिन कौन जिन नेग्लेक्ट करवानी कि कौन जिन सिम्टम है आम किसी इग्नोर करवानी कि नेग्लेक्ट करवानी एगेन ऑपरेशन सरला भी जो प्रोटोकॉलटा अच्छे से प्रोटोकॉलटा को आपको मानवा को पड़ो प्रथम दु वर्ष प्रति तीन मस रखे आम आसवापर दु वर्ष पर नेक्स्ट तीन वर्ष प्रति छः मस पुणी आसा पुणी पांच वर्ष कंप्लीट प्रति इयरली आपको आसा पड़ो तो यहाँ के सरुनी जिनसा जन ओवरी कैंसर सरुनी कि धर्यहरा के सो धर्यर सहित फॉलोअप को आसे फॉलोअप प्रोटोकॉलटा मेंटेन करेंगे फॉलोअप साधारणतः आम गोटे अल्ट्रासाउंड करूँ आ गए ट्यूमर मार्कर करूँ एपिथेलियल कैंसर पर गोटे CA120 गोटे ब्लड टेस्ट करूँ तो से जिन गोटे नॉर्मल थे आम जाना हाँ आउ थे से रोगटा माड़ आसनी इवेन ट्रीटमेंट है तो अगेन पुणी नेक्स्ट तीन मस को पुणी आम कहूँ तुमको आसपाई तेणु फॉलोअप हूँ बहुत इंपोर्टेंट।
मैडम को भी जानवा मैडम आपण तो जस्ट पेसेंट आसला कीमोथेरापी कीमोथेरापी डेंजरस कि ना केते दिन ने थरे आसीबो एवं कीमोथेरापी परे किभले आपण ताको डकेबे चेकअप पई का आमे तो जो अबे डिस्कशन हैला आमे समय सुनले जे ऑपरेशन रो परे परे कीमोथेरापी रो आवश्यकता कोठी कोठी अछि को स्टेज रो अछि आमे बर्तन आलोचना करले जत्ते बले कीमोथेरापी दिया हुए प्रथमे आमे तांको कहू जे गोटे कमन रेजिमेंट थाए प्राय सबुआडे से रेजिमेंटा फॉलो करा हुए प्रति 21 दिन में कीमोथेरापी गोटे स्त्री रोग को आम कहू आसवापी प्रथम टे काउनसलींग दरकार हुए कहीं मुझे इम्पोर्टाट कहीं कहूँ ना काउनसलींगटा ना रोगी टी कौन कैर ना मानसिक अवस्था टी ठीक न था तेना से भाव पारे नहीं मतलब सब आसा पड़ो सबु सैकल मानने सब 21 दिन थर थे मतलब आसवाक पड़ो से जरूरी प्रथम कनभीन्स कराया पड़ो कारण आमर बहुत स्त्री लोक गाँव गहल आसमर जो स्त्री लोक मैंने आसती बहुत मफसल जगह जो मैंने कि भावती कीमोथेरापी जितेबाद नहीं गले सर गणती 1, 2, 3, 4, 5, 6 तार कौन सी इंटरवल आवश्यकता को हृदयंगम करती से प्रोग्राम मध्यम देवाक चाहिए तार गोटे ड्यूरेसन अच्छी गोटे इंटरवल अच्छी कारण आम मेडिसीन गुड़िक यही भाव में सजा ही प्रोटोकल से ही कम कर मानक आम 21 दिन देने से मेडिसीन रो मेकानिजम आक्शन अच्छी जदि प्रोटोकल फिक्स है तार किसी मेकानिजम अच्छी से मेकानिजम अनुजाई से औषधी से ही इंटरवल कम कर से स्त्री लोक मैं बुझेक पड़ो ताद्वारा आम बहुत स्त्री लोक देखु 21 दिन तीन मस मस आदू शुभंकर नुह तेणु प्रति 21 दिन में गोटे गोटे कीमोथेरापी 6 साइकिल यूजुअली दिया हुए आदि पेसेंट रोण से असुविधा हुए कटसट कर 3 साइकिल 6 साइकिल आम कह 6 साइकिलटा नाटा ठीक एवं ये जो साइड इफेक्ट रोगीटी प्रथम डरे कौन पर बांति हम मुंडर चुट्टी झड़ी सबू स्त्री लोकर से गोटे कनसर्न आप देखिथे आमर जो डेभलप कंट्री आम जो बाहर को जाकि देखीचु तर गोटे लगे विक् लगे गोटे लाइब्रेरी रखिंट विभिन्न प्रकार विक् से सब फरेनर फरेन से चुट्टी बहुत प्रकार से बहुत जत्न निमोथेरापी चुट्टी झड़ी गले बहुत निश्चित भाव कष्ट आ गोटे स्त्री लोकर ट्रमा मेन्टाल ट्रमा चुट्टी झड़ी मुझे बाहर को जापरिनी लोक मैंने मतलब देखे हसबे तेणु आपटार मैं केयर नबार अच्छे यहाँ बहुत छोट जिनस बट बहुत इम्पोर्टाट स्त्री लोक आपण को सहयोग कर मेन्टाली आपको कोअपरेट कर तो से कीमोथेरापी नाक आसवना तेणु से छोट जिनस केयर नाक पड़ो आम आजिकल कहू से विक् लगातु यहाँ गोटे ट्रांजिटरी मानते बहुत ट्रांजिएंट प्रोसेस मानते टेम्पोरारी बाड़ आसव जो पेसेंट मो पाक आसे मुझे प्रथम कहे जो आपंकर बाड़ झड़ी पेसेंट पचारे पेसेंट पचारती मैडम कीमोथेरापी ना चुट्टी चली जाए निश्चित भाव चुट्टी चली जातु पुणी थे आसब आभि आसब आपड़ा जो आसबे मुझक चिन्ह पारि बहुत गहलिया बाड़ आसवे बुस्ट करा पड़े बहुत सत्रे भी आसे यहाँ मिछ कथ नुह बहुत गहलिया बाड़ आसे बहुत रिच बाड़ आसे तेणु से मैं इनफर्म करा पड़ो तेणु विक् लगे आरंभ करड़ फेरी आसा कह पड़े आदर मुझे देखी बहुत स्त्री लोक सहयोग करती यथाटा मध्यम मत बहुत सहयोग करती तेणु आपण मैंने डरी जातुनि जो साइड इफेक्ट हुए से बहुत कम दिन कीमोथेरापी नबार प्रथम 7 दिन पर्यंत टिके बांति देखाए जेनरलिस्ट विकनेस हुए देह तो दरज हुए आम जो कीमोथेरापी दौ ओवरी कैंसर कि बहुत अल्प दिन आपड़ी मेन्टाली स्ट्रंग हे ना आपको से साइड इफेक्ट जमा कि लगे नहीं 7 दिन पड़ेगा आपको बहुत भल लगे तेणु यही प्रोग्राम मध्यम मुझे सबू दर्शक मान सबू लोक सचेतन करने को चाहिए जे साइड इफेक्टा बहुत कम दिन बाड़ चली गले निश्चित फेरी आसो तेणु ऑपरेशन परे कीमोथेरापी को निश्चित भाव में नियंतु और नेलापर मध्य फॉलोअप को जमी आम डिस्कशन कले बर्तमान फॉलोअपटा बहुत इम्पोर्टाट रोग फेरी आसो आम जानवा केमती तेणु प्रति 3 मास अल्ट्रासाउंड गोटे गोटे ट्यूमर मार्कर करूँ आम CA125 ताक 2 वर्ष जापर जो आप भल अच्छा तेणु मो पेसेंट जो मैंने आसती मुझे 3 मास भी आज बर्तमान सुस्थ अच्छा नेक्स्ट 3 मास पुणी देखी पुणी 4 मास 2 वर्ष 6 मास 5 वर्ष पर्यंत और वर्ष वर्ष करें देखू तेणु आपने फॉलोअप को मिस करूँ ना किंवा कीमोथेरापी को आदू डरतु ना मांस परीक्षा उपर बेस करमोथेरापी डिसीजन निजाए कहार कीमोथेरापी दरकार कह दरकार ना जदि दरकार तार ड्यूरेसन कहार 4टा कहार 6टा 21 दिन थरे ट्रीटमेंट सरला तार चेकअप टाइम
ए सब गुड़ी का बहुत जरूरी जहाँ मैडम कहले चुट्टी उपड़वाटा गोटे ट्रांजिट टेम्पोरारी तो फैमिली सपोर्टा बहुत जरूरी बहुत जिनस जान लो ओवरी कैंसर उपमती आम अर्ली डायग्नोसीस करमती सर्जरी हम सर्जरी कौन प्रोटेक्शन कीमोथेरापी तो शेष प्रश्न मोर मैडम को सारे आज दिन में ओवरी कैंसर पर आपण कौन सोसाइटी को मेसेज देवाक चाहते प्रथम मैडम कौन मेसेज देवाक चाहते आम समस्ते बर्तमान आलोचना जाणी जे डिंबाशय कर्कट बा ओवरियन कैंसर जानवा भारी कष्ट प्रथम अवस्था जानवा भारी कष्ट जमी आम आलोचना कले आम प्रोफेसर सुशील कुमार गिरी प्रथम जब कहले जे बहुत किसी लक्षण देखाए नहीं रोग किंतु किसी सम्यक धारणा दिए टिके स्त्रीलोकटी कह पेटटा भल लगुनि अंटाटा टिके बथा होउछि झाड़ा गला बेले कन्स्टिपेशन होउछि झाड़ा ठीक भाव होउनि ए सब लक्षण को आम इम्पोर्टेन्स देवार अच्छे कारण गोटे अल्ट्रासाउंड करदे आम प्रायतः धारणा आम कि आसी जाए जो ओभारे किसी हो नहीं तेणु मु गोटे सचेतन बार्ता देवा चाहिए जदि आपणकर माँ भी मैंने ये कम्प्लेन करग्नोर करूँ ना गोटे अल्ट्रासाउंड करनी द्वितीय तो आम देखीचे गोटे अच्छे फैमिलियल कैंसर 5-10% किंतु देखिए आपणकर फैमिली रे ब्रेस्ट कैंसर थे जो मैंने भाई 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 मान कलोन कैंसर हुए ओवरी कैंसर हुए कहे फैमिलियल कैंसर आपण मैंने जान खुशी हे आजिकल गोटे आसला जानापी म्यूटेसन आम कहूँ ब्राका 1-2 म्यूटेसन ताकू जान लें कौन हम ना आजिकल गोटे टैबलेट आसलानी कह जाए ओला पारे तेणु बहुत कम लोकंर हुए किंतु आम यार सुजोग ना उचित कहीं आम डेवलप कंट्री टू पचर पड़ा उचित नुह कहीं ट्रिटमेंटा आजिकल इनभर्सल आप फरेन कंट्री जो ट्रिटमेंट नौ इंडिया से ट्रिटमेंट चली तेणु से बटिका व्यवहार करें म्यूटेसन करें भी आम स्त्री माँ भी मानक बटिका देपर ताक कह जाए ओला पारे आजिकल एफडीए आम जो USFDA आप्रूव करदे जदि आप बारंबार रोग फेरी आसूसी से मैंने रेकरेन्ट हो ओवरी कैंसरटा आम ओला पारि द्वारा चिकित्सा करें किसीटा डेवलप्ड जिनस जाना दरकार कहीं आम जाने आम मन आम ह्वाट माइंड डज नॉट नो आईज डू नॉट सी तेना आम जाना दरकार किसी करें अलग कथा कि आम जाना दरकार तेणु आपण मैंने प्रथम सचेतन हूँ जदि किसी गोटे अल्ट्रासाउंड करूँ इग्नोर करूँ ना ताद्वारा आम बहुत किसी अल्ट्रासाउंडटा ट्रांसफाजेनाल तलपटे अल्ट्रासाउंड हम पेट अल्ट्रासाउंड जानवा टे कष्ट ट्रांसफाजेनाल अल्ट्रासाउंड गोटे करवा रोग विषय जाना जहाद्वारा बहुत इनसीडेन्ट्स को आम कमेपर मोर एटा निजर निजस्व मतामत मुझे अने मैंने निश्चित भाव एग्री करेंगे कारण यादारा बहुत किसी इनसीडेन्ट्स कमिज निश्चित भाव में ओवरी कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करें जोटा कि यूजुअली हो आम प्रथम अवस्था जापरूनि तेणु आम प्रथम अवस्था जाना जहाद्वारा शल्य चिकित्सा द्वारा यह आरोग्य करमोथेरापी दरकार हेल्ले लगे अशोक सर बार्ता जेकोसी कैंसर बडी होना तीनटा जिन बहुत इंपोर्टाट जिन प्रथम जिन आवेरने प्रथम जिन आवेर हाँ सेकेंड हूँ काउनसलींग पर्टिकुला ओवरी कैंसर कंटेक्स कहे आवेरनेसटा बहुत इंपोर्टाट आवेरनेसटा कौन कमी हेल्प करेंगे जहाँ मैडम कहे मुझे से बार्ता दूसरे केमी आवेरने जब आम आवेर थी जे यही सिमटम हो पाए तो आम से डक्टर पाक जावा ना सब जिस भाव गैस्ट्रिक है ओनली गैस्ट्रिक है जैसे मेडिसीन दुकान दुटा मेडिसीन खाई रहा सेटा ही प्रॉब्लम होती कहीं जो सार कहे 70-80% मोर देन 80% लोक आडभांस स्टेज आस कहीं कौन एर्ली स्टेज डिटेक्ट करता ना कि निश्चित भावता जदि से आवेर हमें जदि यही प्रोग्राम मध्यम आम मैंने माँ भी मैंने आवेर हमें जो यही छोटिया सिमटमटा गोटे ओवरी कैंसर लक्षण हो पाए तो सहीटा जब मुंडर पशिला जिनस रहा जे ये जो वेलचिंग हो जो जिनसा हो मोर एसीड हो खाइले मोर ठीक से ये हो तेणु जदि से ही जिन माइंड रहा तेणु से निश्चित डक्टर परामर्श पाक फास्ट आगे डक्टर पाक गले जाए किसी तो कम हो पारना से मेडिसीन दुकान दुईटा गैस टैबलेट खाई रही तो से सपोरेस होगा तेणु सी आस बाध्य हो आडभांस स्टेज्रे तेनाली प्रिभेन्ट करा फास्ट जिनस हो लोक आवेर हवा दरकार सिमटम हो पाए यही सिमटम होगलेक्ट करेंगे इनिशियाली छोटिया सिमटमटा हेले डाक्टर जो भी डक्टर होना कहीं आगे परामर्शा करेंगे आ बर्तन पर गोटे अल्ट्रासाउंड गोटे एत कमन इनभेटेसन है समस्ते ही अल्ट्रासाउंड लिखुं बर्तन पर तेणु अल्ट्रासाउंड किसी गोटे आईडिया तक तो हम जब तलपटा अल्ट्रासाउंड कले तो डेफिनेटली बहुत भल जिन अल्ट्रा जब आउ लोकटा टे आवर थे डक्टर जब आवर थे सी गोटे कलर डप्लर बोली जिनसा गोटे लिखिले तेणु अल्ट्रासाउंड कलर डॉक्टर विथ आ गए छोटे ट्यूमर मार्करटा लिखिले C125 से ही बहुत 90% जिनस सॉल्व हो तेणु आम फास्ट जिनस प्रथम मेसेज होवर इग्नोर सो व्वेन इट ह्विस्पर्स यू हाव टू लिसन
हु लिसन ना प्रथम तुम परिवार लोक मैंने शुणा दरकार सी जो ह्विस्पर करुच्छे सेकेंड द कनसर्न डक्टर जो फास्ट डक्टर सी भी शुणा दरकार थर्ड जिनस डक्टर आउ गोटे जिन बहुत इंपोर्टाट जिन अच्छी जो जान ली ये जिन सस्पिशियस अच्छी मे बी गोटे जेनेल प्राक्टिसनर जो जान ला जाए सस्पिशियस अच्छी सांगे सांगे कर गोटे अंकोलोजिस्ट सेन्टर को कि गायनिक अंकोलोजिस्ट पाक पठेवाटा निरकार जे हुई दि डक्टर हु विल ट्रीट दिस पेसेंट किए आर आक्चुआल डक्टर जी कि आर ट्रिटमेंट करा उचित जदि कौटी टिके भी अल्ट्रासाउंड सस्पिशन आसला गोटे जनरल प्रैक्टिशनर इमीडिएटली से गोटे कैंसर हॉस्पिटल को मे भी पैसा थी पार नई पारे जब ना आप गवर्नमेंट को पठेबे कि गोटे कैंसर सेंटर को जो दरकार से न पहुँचे से ट्रिटमेंट पाइबार प्रश्न ही उठूनी तेणु आगे से इवैल्युएशन करा दरकार इवैल्युएशन से कैंसर अच्छे ना फास्ट कन्फर्म होगा पड़ो तो यही सब जिनस द्वारा आम कन्फर्म करा पड़ो आ सेकेंड जिनस जो कहे गोटे फैमिलियल कैंसर जो मैडम कहे जिनस जोटा कि 5-10% केसेस प्राका बहुत कॉस्टली से टेस्ट करवा कि तार भी सब जिन तार ट्रिटमेंट अच्छी तेनाली दैट इज एम कौन से होपलेस हवानी ओवरी कैंसर प्रति भावुचे के होपलेस हूँ के आशा छाड़ू इवन इफ इट इज फैमिलियल कैंसर अल्सो तार ट्रिटमेंट अच्छे तेणु जिनसटा हूँ से टेस्ट कराइबा कौन से उपाय करा कौन से एनजीओ नहीं कौन से कैंसर हॉस्पिटल कौन से लोकों का साहय नहीं कि टेस्ट जदि अधिक पैसा पड़ुचे तेणु से आम तार आनुषंगिक मेडिसीन पत्र मिलूँ से जिन व्यवहार करवा सेकेंड जिन काउनसलिंग काउनसलिंग मैंने ट्रिटमेंट धैर्य हेबानी केवे भी धर्ज हेबानी जदि भी आम जान लें ओवरी कैंसर अच्छी प्रथम सर्जरीटा कराला अपरेसन कराला आम जान ला यू हाव टू लॉन्ग वे टू गो सो से काउनसलिंग इंपोर्टेंट काउनसलिंग एंड फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो फैमिली सपोर्ट करा दरकार से स्त्री लोकटी को आउ काउनसलिंग डॉक्टर जो काउनसलिंग करें आम कमी काउनसलिंग करें आम काउनसलिंग एत भल हाँ दरकार जे से पेसेंट कम्प्लीटली धर्ज हरा नई टोटाल ट्रिटमेंटा पाइब टोटाल ट्रिटमेंट मैंने बुझीपी इट इज नॉट ओनली सर्जरी तो सर्जरी गोटे पार्ट तापर केमोथेरापी अच्छे एक्सेप्ट वेरी एकदम एर्लीएस्ट को छाड़े जोटा को ऑलरेडी आम कही सारे तेणु सर्जरी जिते भल आम जाचे केमोथेरापी आवश्यकता निश्चित भाव अच्छी से आक्सेप्ट करा पड़ो जाना पड़ो आटा गोटे थर सैकेल ना हेनी से छा सल हम टाइमली नवर अच्छी अपरेसन के ना पड़े तेणु अपरेसन एक दिन पर यूजुअली आम केमोथेरापीटा स्टार्ट करूँ तेणु से बुझाक पड़ो जमुक छा सल एति धर्जवान रहा पड़ो तेणु फैमिली सपोर्ट काउनसलिंग इज बहुत इंपोर्टेंट आपण मैंने सपोर्ट करूँ आपंकर स्त्री लोकटे एमती होती घर लोक मैंने समस्त सपोर्ट करूँ डॉक्टर मैं प्रॉपर काउनसलिंग टाइम टाइम दिखाँ डॉक्टर गोटे टाइम देखिए सब जिन काउनसलिंग करा दरकार तापर थर्ड जिनस ट्रीटमेंट सरलापर भी केमोथेरापी सरला भी रोग लोटे आसार बहुत चान्सेस भी थाए ओवरी कैंसर पर्टिकुलरली बहुत बेसी चांसेस थाए तापाई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अनुसार जहाँ प्रोटोकॉल करा जाए बहुत विशेषज्ञ मैंने जहाँ कही सारी जो प्रोटोकॉल जो प्रति तीन मस आसिक चेकअपटा कराया पड़ो आउ तापर दि वर्ष पर प्रति छः मस करा पड़ो पांच वर्ष पर प्रति वर्ष वर्ष करा पड़ो तेणु जदि भी आउ थे रोगटा लेट आसे पुणी एर्ली डिटेक्ट करार अच्छे तो धरियार अच्छे तो से पार्टा को आपको मुंडर नवाक पड़ो मुंडर से बुझाक पड़ो तो यही जिनस तेनाली ओवरी कैंसर ट्रीटमेंट इज ए लॉन्ग प्रोसीजर आमको धैर्य हेनी धैर्यवान हो सब जिनसा को ग्रहण करवा फैमिली सपोर्ट दबा डॉक्टर को सपोर्ट दबा एंड सोसाइटर सपोर्ट दबा एति जिनस जदि होला ताले निश्चित भाव वी कैन ओवरी कैंसर को आम कि आम निश्चित भाव भल कर तो आम जान लिया कि ओवरी कैंसर भल हो पार आम बहुत दिन बची पार डरबानी चिकित्सा करवा चेष्टा करवा भल होगा आम सांगे आज मैडम सर आसीबार मुझे धन्यवाद दौची प्रकारर कैंसर रोगर सफल चिकित्सा पाई आज ही जोगाजोग करंतु कासिनोवा कैंसर हॉस्पिटल कटक फोन नंबर 9438163280